सिचुएशन आपके सामने थी, क्योंकि अर्ली ऑन जब मैं बैटिंग करने गया तो तकरीबन एकदम से 2 विकेटें हमारी गिर गई थी. सो प्रेशर हमारे ऊपर आ गया था, क्योंकि ओपनर्स ने आपने देखा कि बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट दिया. फिर अज़हर अली और इमरान बट की पार्टनरशिप हुई, फिर जब अज़हर अली आउट हुए तो बाबर हमारा मेन प्लेयर जो 0 पे आउट हुआ, तो प्रेशर दोबारा से हमारे ऊपर आ गया. सो बस कोशिश यही थी कि उस प्रेशर से निकलना है, फिर टीम को भी निकालना है, फिर जितना आप गेन कर सकते हो रन उतने गेन करें. तो सिंपल प्लान से, कोई इतना ज़्यादा वो नहीं था, तो सिंपल रखा हुआ था अपने आप को. अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि कंसिस्टेंट रखूँ अपने आप को और अल्लाह ताला मुझे कंसिस्टेंट रखे. और देखिए, प्लेयर के हाथ में मेहनत है. आई थिंक आप जितना आप मेहनत करोगे, जब आपके ऑफ डेज होते हैं, जब आपको टाइम मिलता है, आप कोचिंग स्टाफ के साथ अपना वर्किंग करते हो कि यार आप कहाँ थोड़े से हो रहे हो, कहाँ है, कहाँ क्या, कुछ 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 ट्यूनिंग आप करते रहते हो. सो हमारे हाथ में जो है, हम सब प्लेयर्स के हाथ में मेहनत है, तो हम कोशिश करते हैं कि अपने डे बाई डे अपने आप को और इम्प्रूव करते रहें, ताकि जब हम ग्राउंड के अंदर आएँ तो डिलीवर कर सकें. लफ्ज़ों में आई डोंट थिंक सो कि मैं बयान कर सकता हूँ, क्योंकि ख्वाब होता है पाकिस्तान से टेस्ट खेलना, और फिर पाकिस्तान से टेस्ट खेल के फिर सेंचुरी बनाना, वो उससे बड़ा ख्वाब होता है. फिर उससे बड़ा ख्वाब ये होता है कि पाकिस्तान को टेस्ट मैच जीते भी, जिसमें आप रन्स करो. तो आई थिंक लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, सिर्फ यही है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है. देखिए, यही होता है जब आपको जहाँ पर ज़रूरत होती है तो आपके बड़े आपके साथ हों, और जब आप, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप फर्स्ट क्लास से निकल के आते हैं और इतने अरसे बाद आते हैं, जब इस क्रिकेट में आते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, सो आपको पता होता है थोड़ी थोड़ी चीज़ें जहाँ जहाँ आपकी मिसिंग हैं तो वो आपकी पूरी होती हैं. मिसबा भाई हैं, यूनस भाई के साथ काम करता रहता हूँ, क्योंकि यूनस भाई से अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है. डेब्यू भी उनकी कप्तानी में हुआ था, ओपन भी किया था, तो सेंचुरी भी बनाई थी. सो अल्हम्दुलिल्लाह वो कोऑर्डिनेशन अच्छा है, और ये है कि जब हम कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में तो वो बड़ा ज़बरदस्त रहता है, और उनकी हेल्प से और इम्प्रूवमेंट आ रही है. और दुआ हूँ कि अल्लाह ताला इसी तरह और इम्प्रूवमेंट लाते रहे और उनकी हेल्प मिलती रहे.